लोग सोच रहे थे सुबह तो वीडियो एक कंटिन्यू होगा। सुबह आपको चाउमीन दिखाया था, जो वाला स्पेशल वाला चाउमीन हम लोग बनाया, और अभी आप देख रहे हो भिंडी है, इसको मैंने 3-3 पीस करके काट लिया, और यहाँ आलू भी काट दिया, तो आलू भिंडी हो गया, और यहाँ दो टमाटर लिया, ये मस्टर्ड सीड है, और इसका साथ थोड़ा मिर्चा ले लिया। तो चलिए अभी कढ़ाई भी बैठा दिया इधर, तेल डाल देंगे गरम करके, आज इसको सब्जी बनाता हूँ और दिखाता हूँ आपको, सब मिल के खाएँगे। तो अभी इसको मिक्सी मारेंगे, ये सूखा मिर्चा है इसमें डाल देता हूँ, इसमें डाल के यहाँ मेरे लिए मिठाई भी रखा हुआ है, लेकिन इसको पेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही रखा हुआ खाने के लिए। आज मैं सोची इसको भी पेस्ट कर देंगे, इसको पेस्ट हमें नहीं करना है। बिठा दिया, इसको ढक्कन लगा दिया, स्विच ऑन, चाय भी बनाना है। अभी सब्जी बनाना था, अभी आ गया चाय। तो चाय के लिए ये हमको चीनी, इसका बाद दूध आ रही, हो गया चीनी अभी बना है। यहाँ मोमो हो रहा है, और देखिए भाई मोमो रेडी कर रहा है, ठीक है। यहाँ चाय होगा, नहीं नहीं और ये मेरा सब्जी का जो मिक्सचर है रेडी हो गया, तेल भी ये यूज़ करता हूँ, अच्छा वाला। अभी पहले चाय बना लेता हूँ, चाय बनाने के बाद फिर सब्जी बनाएंगे। हो गया, अभी भाई पैकिंग कर रहा है, यहाँ चाय हो रहा है। आज सारा चीज़ आपको दिखाएंगे क्या क्या करता है, और हमारा बॉस देखिए वो क्या कर रहा है, देखो। हेलो अली, हाँ ये देखो ये क्या कर रहा है वो सारा बड़ा बड़ा रसगुल्ला लेके बैठा है, देखो करो करो आज हम लोग क्या करता है वो दिखा रहा है। ये देखो मेरा चाय का दूध पूरा गर्म हो गया, हम वहाँ देखने गया तो यहाँ गिर गया। तो ये मेरा चाय है, तो चाय बना रहा अभी, इसको चाय पत्ता दे देता हूँ, ये हो गया चाय पत्ता, चाय पत्ता, और थोड़ा आएगा उमेश से एक बार आओ ना, मोमो हो जाओ। साइड बाय साइड मोमो भी हो रहा है, देखो ये है मोमो प्लेटिंग हो रहा है। दो किस्म का चटनी है, ये राजा मिर्चा का है, ये सूखा का, लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा अलग है, ये झाल ज़्यादा होगा, ये कमती होगा। ये हमारा मोमो है, चिकन मोमो, और ये अभी दे रहा है सूप भाई, चलिए हम लोग काम करते हैं। तेल डाल लेते हैं थोड़ा सा, तेल डाल दिया, अभी देखता हूँ। ओ मोमो वहाँ में दे देना,
यहाँ से दे दो, ये तेल डाल दिया, तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। तेल गर्म हो गया, ये पहले दे देता हूँ सूखा मिर्चा। फिर इसका एक पेस्ट थोड़ा आलू डाल देंगे, और जो भिंडी है वो थोड़ा देर बाद में देंगे, जो वो अभी डालने से वो गिल्ला गिल्ला हो जाएगा, इसके और जो चिपड़ी जो होता है वो निकल जाएगा, इसलिए भिंडी अभी नहीं देंगे, इसको थोड़ा देर बाद में डालेंगे। अमन थोड़ा नमक लेके आओ, वो डब्बा ही लेके आओ, डब्बा लेके आओ, हाँ दो नमक डालो 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 और लगेगा। थोड़ा हल्दी डाल दो, देखो सामान डाल रहा है, थोड़ा हल्दी, थोड़ा मिर्चा डाल दो पाउडर, ये है मिर्चा डाल दिया, वाह मिर्चा से थोड़ा कलर आ जाएगा, इसका देखने में सुंदर लगेगा, बस वही बात है। एक्चुअली मिर्चा सूखा मिर्चा खाना तो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, लेकिन कलर के लिए थोड़ा नहीं देने से देखने में अच्छा नहीं होगा, तो सब्ज़ी खाने में टेस्ट नहीं होता, तो सबसे बड़ा बात है, इसलिए देखने के लिए हम लोग कलर डाल रहे हैं और कुछ नहीं, टेस्ट तो इसमें है ही नहीं कुछ, जो कच्चा मिर्चा होता है वही सबसे अच्छा है, लेकिन सूखा मिर्चा जितना कम से कम खाइएगा, इसको आपका मर्जी आप डालो नहीं डालो, स्वाद अनुसार आप नमक डाल देना थोड़ा, और हल्दी भी वही है थोड़ा, इसको देखने में अच्छा लगेगा, तो थोड़ा देर के लिए मैं रख देता हूँ इसको। ये भिंडी हम डाल देंगे थोड़ा बॉयल, इसका वो ढकना लेके आना ना, इसको ढक देता हूँ, ढकने से क्या होगा थोड़ा बॉयल हो जाएगा ये, क्योंकि आलू जो मैंने जो आलू काटा है वो फ्रेंच फ्राई जैसा आलू काट दिया थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाएगा, बस अभी थोड़ा देर गैस पे रख रहा हूँ, फिर इसका बाद में फिर दिखा। अभी देखिए कलर इतना सुंदर आ गया इसका, मैंने बोला था ना कलर, वो मिर्ची जो डालता है वो कलर के लिए, उसके लिए टेस्ट के लिए नहीं, मिर्ची डाला जाता है कलर के लिए, और कलर देखिए इतना अच्छा हुआ अभी मतलब, और आलू भी शायद इसका बॉयल हो गया, तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, जब आलू बॉयल हो चुका है इसका नमक उमक सारा चीज़ डाल दिया, तो कोई जो भिंडी है उसको मैं अभी डाल देता हूँ, इसको डाल देता हूँ और इसको थोड़ा हिला देता हूँ आराम से अच्छा से, और सबका अलग अलग बनते भिंडी बनाना, हमारा थोड़ा अलग स्टाइल है, मैंने ये थोड़ा अलग ट्राई किया, क्योंकि सब आदमी भिंडी पहले ही डाल देता है, तो मैंने जानबूझ के नहीं डाला, क्योंकि पहले डालेंगे तो वो थोड़ा गिल्ला गिल्ला हो जाता है, तो स्लिपी स्लिपी होता है, इसलिए हम लोग मैंने जानबूझ के नहीं डाला इसको, मैंने कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा अलग बनाऊँ, और मेरा जो फैमिली है सब मिलकर हम लोग खाएँगे दिखाएँगे सब, लास्ट में इसका टेस्ट भी पूछेंगे, तो अभी इसको हल्का से इसको भी
देते हैं थोड़ा। ये पानी इसलिए दे रहा हूँ थोड़ा बॉयल होने के लिए और कुछ नहीं। फिर से ढाक देंगे। हाँ, इसको अंदर में चौ आराम से धीमी धीमी आँच में इसको पकाना है, थोड़ा हल्का एकदम धीमी आँच कर देंगे थोड़ा, बस इसको पकने दीजिए। हाँ फ्रेंड, देखिए अभी इसका कलर इतना अच्छा हो गया और इसको मतलब अभी आस्ते आस्ते थोड़ा मतलब ड्राई कर देता हूँ। जो पानी दिया था पहले उस पानी को अभी सूख जाने देंगे, तो हल्का हल्का से सूख जाएगा। एकदम से आग जो है बड़ा मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा आग दे देंगे तो जलने का वो संभावना रहता है, तो हमें जलाना नहीं, जलने से तो टेस्ट अलग हो जाएगा। तो हल्का 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 सुखा दीजिए उसको, तो कंटिन्यू थोड़ा हिलाना होगा, नहीं से नीचे फिर लग जाएगा वो, तो हिलाने से। और ये बॉयल भी हुआ ना नहीं हुआ देख लिया। हाँ, ये पूरा अभी बॉयल हो चुका है, तो ये अभी मतलब ख़त्म हो चुका है, इसको खाना पूरा रेडी है अभी। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये है अभी मेरा प्लेटिंग, इसमें मैंने चावल ले लिया, सब्जी ले लिया है भिंडी का, और थोड़ा चटनी ले लिया। ये चटनी राजा मिर्चा का, ये टमाटर और आलू का है। ये चटनी बहुत झाल होता है, और इससे ये जो राइस है ये गम गम राइस है यहाँ का लोकल, तो इससे खाने में थोड़ा अलग टेस्ट स्वाद है। तो आप कोई भी राइस से खाओ इसका मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ में ये चावल थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम लोग ये राइस खाते हैं। और चलिए स्वाद चख के बताता हूँ आपको कैसा है। बढ़िया है, और भिंडी जो है पूरा सॉफ्ट हो गया, और थोड़ा थोड़ा तीखा भी है, और बहुत अच्छा है खाने में, बहुत स्वाद है। और आप भी इसको घर में बना के ट्राई करके और खा के देखिएगा, बहुत स्वाद है। तो इसको बनाने से और खाने से आपको पता चले, क्योंकि वीडियो में तो मैं खा रहा हूँ और आपको तो पता नहीं चल रहा है स्वाद कैसा है नहीं है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, और कैसा लगा ये खा के देखना। चलिए, बाय बाय फ्रेंड।